But I need to tell you something. हेलो गाइस, वेलकम टू द एजिमेडी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे हल्क के बारे में। हल्क की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में कि वो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वो हल्क नहीं बन पा रहा था, ये मेन रीजन था। इसलिए वो सारे आधे से ज्यादा सीन डिलीट कर दी गई। बट प्रोड्यूसर ने बोला, डायरेक्टर ने बोला कि हमने हल्क को इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ब्रूस बैनर, काफी कंप्लेंट आ रही थी कि ब्रूस बैनर हल्क के बिना कुछ भी नहीं है एवेंजर्स की टीम में। बट ऐसा नहीं है, उन्होंने ये चीज साबित कर दी और उन्होंने अपना माइंड का यूज करके हल्क बस्टर आर्मर यूज करा। बट एवेंजर 4 में अब कुछ अलग अटके होने वाला है। ब्रूस बैनर अपनी ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा और वो हल्क में कन्वर्ट हो जाएगा और उसे एजेंट ऑफ द शील्ड यानी कि वो जब रिटर्न होगा निक फ्यूरी द्वारा तो उसे काफी हेल्प मिलेगी। उसे एक सूट मिलेगा जो कि टोनी स्टार्क द्वारा टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया होगा और देन ये सारी चीजें हल्क को एक शील्ड ऑफ द एजेंट बनाती है। जी हाँ, जो कि हमें कार्टून टीवी सीरीज में देखने को अब तक मिल चुका है। आपने इसकी कार्टून टीवी सीरीज तो देखी होगी जिसमें हल्क बोलता तो है, सारे काम करता है, बट दिमाग ब्रूस बैनर का होता है। ये हमें सारी चीजें अब एवेंजर 4 में देखने को मिलेंगी। तो उसमें शील्ड का सबसे बड़ा हाथ है हल्क को आगे ग्रो करने के लिए। तो मुझे लगता है कि जो एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में प्रॉब्लम थी, जितनी भी ब्रूस बैनर हल्क की, वो सारी सॉल्व हो जाएंगी और हमें एवेंजर 4 में दिखेगा एक ब्रांड न्यू हल्क। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो, या तो उस पर हल्के हाथ मारो या पैर मारो। सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूं।